हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के बारे में, जो कि मैंने भी एग्जाम दिया था 26 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। सो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं कि कैसा एग्जाम था और लेवल कैसा था। सो सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं। सो क्वांट का जो लेवल था वो मॉडरेट पूछा गया था, ज़्यादा ईजी नहीं पूछा गया था। सो इसके अंदर जो टॉपिक आए थे वो आए थे हमारे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसके 14 क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक पूछे गए थे, जिसके 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नंबर सीरीज़ पूछा गया था और इसके अंदर हमारा पूछा गया था DI, ठीक है, जिसके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और नंबर सीरीज़ के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो सिंप्लीफिकेशन जो था वो तो ईजी लेवल था। अरिथमेटिक जो था ये भी मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा ईजी नहीं पूछा गया था। नंबर सीरीज़ की बात करें सो इसके अंदर हमारे एक क्वेश्चन जो था वो काफ़ी ट्रिकी पूछा गया था और DI के अंदर हमारे जो 2 क्वेश्चन थे वो ट्रिकी पूछे गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम जो है वो मतलब वेस्ट हुआ है। सो अगर हम बात करें क्वांट में, सो लोगों के जो ज़्यादा अटैम्प्ट हुए हैं वो है 26 से लेकर 30 तक, मतलब बहुत लोगों ने इतने ही अटैम्प्ट किया है। अगर मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ सो मैंने 26 अटैम्प्ट किया है क्वांट के अंदर, क्योंकि क्वांट का लेवल मुझे सही लगा, ज़्यादा ईजी नहीं था, ठीक है। सो अब हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सो रीजनिंग का जो लेवल था ये इजी था। इसके अंदर जो था सबसे जो ट्रिकी था वो था ब्लड रिलेशन, जिसने काफ़ी लोगों का जो है टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। ब्लड रिलेशन ये गलत नहीं था, बस काफ़ी ट्रिकी पूछा गया था। पज़ल जो थी वो सारी इजी थी। पज़ल 3 पज़ल्स पूछी गई थी, एक तो हमारी सर्कुलर बेस्ड, एक थी हमारी स्ट्रेट लाइन और एक थी 8 पर्सन थे कंसेक्यूटिव, मतलब कुछ सामान खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ पूछा गया था, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक पूछा गया था, ये भी इजी था। और हमारा पूछा गया था इसके अंदर एक मतलब वो नंबर दे रखे थे, वो बताना था कितने नंबर हैं इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। सो ओवरऑल रीजनिंग जो था वो इजी टू मॉडरेट था, अगर ये ब्लड रिलेशन को छोड़ दो तो ईजी था। और हमारा पूछा गया था इसके अंदर डायरेक्शन सेंस, ठीक है। सो लेवल ईजी टू मॉडरेट था रीजनिंग का। सो इसके अंदर जो अटैम्प्ट हुए हैं वो 33 तक हुए हैं, अगर ब्लड रिलेशन को छोड़ दो तो, ठीक है। सो मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ सो मैंने 33 अटैम्प्ट किया है रीजनिंग के अंदर। सो अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में क्या पूछा गया था। सो इंग्लिश में पूछा गया था हमारा, एक तो पूछा गया था RC, ठीक है, जिसके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक पूछा गया था एरर से क्वेश्चन पूछा गया था, और एक पूछा गया था हमारा रिप्लेस करने वाले, ठीक है। रिप्लेस करना था मतलब कि कुछ बोल्ड में दिया था उसे रिप्लेस करना था। सो ओवरऑल इंग्लिश जो थी वो इजी पूछी गई थी, मतलब RC जो पूछा गया था वो भी स्टोरी बेस्ड था, कुछ मतलब उसके फादर होते हैं एक लड़की और वो स्टोरी बता रहे होते हैं, कुछ ऐसा ही था इसके अंदर, ठीक है, डॉक्टर की कुछ स्टोरी थी। सो एरर जो था ये भी इजी था, रिप्लेसमेंट दिए गए थे ये भी इजी पूछा गया था। सो इंग्लिश का ओवरऑल जो लेवल था वो इजी था और काफ़ी लोगों ने इसमें 30 आउट ऑफ 30 भी मतलब बनाया। सो मैं अपनी बात करूँ सो मैंने भी इसके अंदर 30 आउट ऑफ 30 बनाया, ठीक है। सो गाइज, आप भी अपना अटैम्प्ट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इसके अंदर कितना अटैम्प्ट किया, ओवरऑल आपका अटैम्प्ट कितना था और आपको जो इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट में सबका लेवल कैसा लगा। सो अपने ओवरऑल अटैम्प्ट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।